हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन में आज हम लोग उसका थ्योरी पढ़ेंगे जो थोड़ा बहुत है, और उसके बाद इससे रिलेटेड देखिए इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। तो जितना भी इरिगेशन में होगा सब इरिगेशन हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे, प्रोसेस वाइज पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि 1-2 दिन में हम लोग इसको पूरा कवर कर सकें। देखिए, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इरिगेशन का इंट्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे और जो इसका नेसेसरी क्या है, इसका पर्पस क्या है, इससे एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन कितना प्रकार के होता है, प्लस में और जो इससे रिलेटेड है, जो इसका टेक्निकल टर्म इसमें जो यूज होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज से इरिगेशन। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आप लोग बेल आइकन नहीं दबाए होंगे तो दबा दे, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये सबसे पहले हम लोग इरिगेशन का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। और देखिए, इसमें इरिगेशन जो हम लोग का चैप्टर है, या जो भी इरिगेशन हम लोग का बुक है, ये हम लोग का आर्टिफिशियली है। मतलब आर्टिफिशियली का मतलब बोले तो जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग किए हैं, वो सब क्या किए कि मतलब कुछ दिमाग लगाए, दिमाग लगा के जो भी मतलब इरिगेशन का पार्ट हो सकता था, जैसे पानी गिरा ऊपर से, उस पानी को स्टोर किए और स्टोर करके उसको जहाँ तक ज़रूरी था वहाँ तक पहुँचाएँ, यही प्रोसेस है मेनली हम लोग को इसमें पढ़ना इरिगेशन में। ठीक, और देखिए वो हम डिफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ है कि इरिगेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली, देखिए प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड है, आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फॉर रेजिंग क्रॉप्स। क्या बोल रहा है कि मतलब इरिगेशन को, या जो भी वाटर है, वाटर को हम लोग को मतलब जहाँ हम लोग क्रॉप रोप रोप मतलब क्रॉप का मतलब जहाँ हम लोग फसल रोपे हैं, उस फसल तक हम लोग को सक्सेसफुली वाटर पहुँचा देना है, चाहे जैसे भी हो। और देखिए ये भी अब बहुत टाइप का है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि केवल क्रॉप तक ही वाटर पहुँचाना है, हम लोग को पीने के लिए भी पानी चाहिए, तो मतलब वाटर सप्लाई भी चाहिए, तो वो हम लोग को घर तक भी पानी आता है, तो वो भी एक टाइप का क्या होता है, इरिगेशन का ही टाइप है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और क्या था, फॉर रेजिंग क्रॉप्स इट इज ए साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एंड इफिशियंट लो कॉस्ट इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम्स टेलर टू फिट नेचुरल कंडीशंस। इट इज द इंजीनियरिंग, और देखिए यहाँ लिखा हुआ, इट इज़ द इंजीनियरिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड रासनेस ऑफ द वेरियस नेचुरल सोर्सेस ऑफ द वाटर बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिजर्वायर्स, केनाल्स, हेडवर्क्स एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड। देखिए इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो भी हम लोग का वाटर तो आर्टिफिशियली तो बनेगा नहीं, ये तो आदमी तो बना नहीं पाएगा, जब भी मतलब ये तो एक प्रोसेस से बनता है। तो देखिए कैसे हम लोग का प्रोसेस होता है, मान लीजिए जब पानी ऊपर से गिरा, मान लीजिए, और ये भी है कि पानी कंटिन्यू नहीं गिरता है, जो भी वाटर होता है, जो भी द रेनफॉल होता है या रेन होता है, वो सड मतलब कंटिन्यू नहीं गिरता है, कभी कभी कोई कोई टाइम में, जैसे रेनी सीजन में हो गया, तो रेनी सीजन में हम लोग का पानी गिरता है, और इसके बाद क्या बचा, इसके बाद विंटर सीजन बचा, इसके बाद समर सीजन बना, तो इस सब में तो हम लोग को पानी गिरता नहीं है। तो क्या आता है कि जो रेनी सीजन में वाटर गिरा मतलब पानी गिरा, वो सब पानी को हम लोग स्टोर कर लिए एक कोई रिजर्वायर में, और जो रिजर्वायर में स्टोर किए उस रिजर्वायर से हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी निकालेंगे, तो कुछ पानी इधर वाटर सप्लाई के लिए भेज देंगे, कुछ पानी इधर क्रॉप में डाल देंगे मतलब फसल उसल बढ़ने के लिए, कुछ पानी अगर और कुछ करना है तो कुछ पानी से हम लोग इलेक्ट्रिक बना देंगे, यही सब है। और ये पानी रिजर्वायर में स्टोर होता है, और रिजर्वायर कहे तो इसका मतलब होगा कि जैसे में डैम, डैम आप लोग देखे होंगे, जैसे इसको बोलते हैं नहर, नहर भी बोल सकते हैं, प्लस में केनाल, केनाल ये भी है कि बांध बांध दिए और हम लोग पानी को रोक दिए। वही यहाँ लिखा हुआ था कि बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वायर केनाल्स एंड हेडवर्क्स एंड फाइनली, देखिए वो सबसे तो हम लोग स्टोर कर दिए ये सब में, केनाल एंड हेडवर्क, और फाइनली इसके बाद क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर टू द, और इसके बाद वाटर डिस्ट्रीब्यूट किए कहाँ कहाँ तक, एग्रीकल्चरल फील्ड तक, मतलब जहाँ हम लोग क्रॉप रोपे थे या जो भी फसल लगाए थे वहाँ तक पहुँचा दिए पानी। और क्या था, इरिगेशन इंजीनियरिंग इंक्लूड्स द स्टडी एंड डिजाइन ऑफ वर्क्स
इन द कनेक्शन विथ रिवर कंट्रोल, ड्रेनेज ऑफ वाटर लोअर एरियाड एंड द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और देखिए एक चीज़ और इसमें मतलब बोल रहा है कि जो भी इरिगेशन इंजीनियरिंग है वो इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिजाइन वर्क ऑफ द कनेक्शन विथ रिवर कंट्रोल। जैसे देखिए एक और चीज़ है कि मान लीजिए रिवर में तो भी पानी बह रहा है, मतलब नदी नदी में भी तो पानी बहता है। अब यहाँ ये भी होता है कि नदी पर ही हम लोग बांध बना दें और जो नदी का पानी आ रहा है उस पानी को रोक दें और उस पानी को हम लोग यूज करें किस चीज़ में, एग्रीकल्चरल में, वाटर सप्लाई में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, ये सब में हम लोग यूज करें। यही था इसमें मतलब डिफिनेशन कि जो भी हम लोग का इरिगेशन होता है इरिगेशन को जिस टाइप में रोक सकते हैं, या तो रेनफॉल जो पानी ऊपर से गिरा वो, या नहीं तो नदी से जो पानी बह रहा है उस पानी को हम लोग एक रिजर्वायर में या डैम बना के या उस पर बांध बना के उसका पानी को रोक देगा और वो पानी को धीरे धीरे यूज करेंगे। यही। और देखिए अब इसका नेसेसिटी क्या है, मतलब कि इरिगेशन का आवश्यक क्यों पड़ा इंडिया में, ये भी तो है कि आखिर क्यों पड़ा, तब हम लोग को आखिर पानी का कुछ यहाँ ज़रूरी पड़ा होगा, तब तो हम लोग यहाँ पे डैम उम बनाएँ, डैम बनाएँ, रिजर्वायर बनाएँ और जो भी केनाल बनाएँ, आखिर ये सब क्यों बनाए। तो वही है कि नेसेसिटी क्या है इसका। देखिए आप लोग जानते होंगे कि मतलब भारत एक है कृषि प्रधान देश, ये आप लोग को मालूम होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का है तो मतलब यहाँ का जितना भी अधिकतर देशवासी हैं वो सब कृषि पे डिपेंड है, मतलब खेती पे डिपेंड है। तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग खेती करेंगे तभी हम लोग को पेट भरेगा और हम लोग का जो भी रोजी रोटी है वो खेती से ही चलेगा, मतलब एग्रीकल्चर से ही चलेगा। तो वही जब मान लीजिए कि अगर हम लोग को एग्रीकल्चर हो गया, खेती तो कर रहे हैं, खेत खेत में तो हम लोग चाहे कहीं भी फील्ड में हम लोग बीज बो दिए, बीज बो दिए, और मान लीजिए केवल बीज बोने से तो नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या देना होगा, पानी हो, पानी भी देना होगा, वाटर भी। और मान लीजिए वाटर अगर ऊपर से नहीं गिर रहा, मतलब रेनफॉल नहीं गिर रहा, वर्षा वर्षा नहीं हो रही है, तो हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे। फिर वही एक बचेगा एकमात्र जो हम लोग स्टोर करके रखे थे वो वाला पानी को यूज करेंगे और बीज तक पहुँचाएंगे। तो वही था, वही है नेसेसिटी में देखिएगा क्या क्या, इंडिया इज ए बेसिकली एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, ये तो अभी बताएं कि ये कृषि प्रधान देश है एंड ऑल द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चरल आउटपुट, और जितना भी है एंड ऑल इट्स रिसोर्सेस डिपेंड्स ऑन द, जितना भी मतलब रिसोर्सेस है इंडिया के ग्रोथ में करने के लिए वो सब ज़्यादा किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल से जो आउटपुट हम लोग को मिलता है उसी पे ज़्यादातर लोग डिपेंड है। और क्या, वाटर इज इविडेंटली द मोस्ट वाइटल एलिमेंट इन द प्लांट्स लाइफ, ये प्लांट्स लाइफ के लिए भी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वाटर इज नॉर्मली सप्लाइड टू द प्लांट्स बाई नेचर थ्रू रेन्स, ठीक, हाई वर्स द टोटल रेनफॉल इन ए पार्टिकुलर एरियाज में बी आइदर इनसफिशियंट और इल टाइम आउट। और देखिए यहाँ ये भी है कि मतलब ज़्यादा भी कहीं अगर बारिश हो गया तो वो भी एक कारण बन सकता है, मतलब इल कुछ गलत संकेत वो भी देने लगता है। और क्या है कि इन ऑर्डर टू द मैक्सिमम एल्ड, और बोल रहा है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम एल्ड, मतलब हम लोग का जो भी खेती कर रहे हैं उस खेती से ज़्यादा उपज चाहिए, मतलब ज़्यादा फसल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या देना होगा, पानी, वाटर कंपलसरी हो जाएगा। तो वहीं यहाँ लिखा है कि इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम एल्ड इट इज इसेंशियल टू सप्लाई द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ से ज़्यादा हम लोग को क्रॉप से मतलब फसल उगाना है मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो हम लोग को क्या करना होगा कि पानी उसको कंटिन्यू पहुँचाते रहना होगा क्रॉप तक, नहीं तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। एंड द मेंटेन करेक्ट टाइमिंग ऑफ वाटर, और ये भी है कि जो एकदम करेक्ट टाइम पर, ये नहीं कि हम लोग बीज बो दिए और पता चला कि जो भी बीज बोएं वो मर गया, मतलब वो ख़राब हो गया, इसके बाद पानी आ रहा है तो उसको फ़ायदा भी क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उसको टाइम टू टाइम मतलब टाइमली टाइमली हम लोग को उसको वाटर देना होगा क्रॉप को, तभी हम लोग को वहाँ से ज़्यादा एल्ड होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को उपज होगा, ये ध्यान में रखना है ये सब। और क्या था कि दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द सिस्टमेटिक इरिगेशन सिस्टम, और देखिए ये कब संभव है, मान लीजिए कि ये तो अगर टाइम टू टाइम तो हम लोग को वर्षा होता नहीं है, टाइम टू टाइम अगर वर्षा होता तो ये सब रिजर्वायर का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता, इसलिए टाइम टू टाइम वर्षा नहीं होता है और हम लोग को जो भी क्रॉप बोए हैं वो क्रॉप को टाइम टू टाइम हम लोग को पानी चाहिए, तो वो सब पानी फिर कहाँ से आता है, वही रिजर्वायर से, जो भी डैम उम बनाए हैं वो सबसे पानी हम लोग को क्रॉप तक पहुंचा देना होता है।
और अगर वो सब नहीं रहेगा तो फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि कृषि प्रधान देश का मतलब ही तब क्या रह गया। तो वही है, और बाय कलेक्टिंग द वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल, और मतलब वही बोल रहा है कि जब बहुत जोर से पानी गिरे, मतलब जोर से भारी वर्षा हो, तो जो पानी आया उस पानी को स्टोर कर ले रिजर्वायर में, और इसके बाद धीरे धीरे हम सब अपना काम करते रहें जो जरूरी हो उसके लिए। वही बोला है कि एंड द मेन एक्सेस रेनफॉल इन द रिलीजिंग टू बी क्रॉप एंड द वेन इट इज नीडेड, और जब जब नीड पड़े, मतलब जब जब आवश्यक पड़े हम लोग उसको यूज करें। दस द नेसेसिटी ऑफ इरीगेशन का समराइड इन द, मतलब यही था कि नेसेसरी क्या क्या है। तो वही जो नेसेसरी था कि मान लीजिए कि अगर हम लोग को क्रॉप, तो हम लोग को एकदम कंपलसरी है बीज तो बोना ही बोना, और बीज से ज़्यादा हम लोग को फसल उगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, टाइम टू टाइम पानी देना होगा। अगर टाइम टू टाइम पानी देना होगा तो टाइम टू टाइम टू रेन, मतलब वर्षा होता नहीं है, और अगर टाइम टू टाइम वर्षा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करना होगा, एक बार जो भारी वर्षा हो गया, मतलब एक बार बहुत भारी वर्षा हो गया, बहुत ज़्यादा पानी गिरा, तो उस पानी को क्या करेंगे हम लोग, स्टोर कर देंगे कोई रिजर्वायर में, डैम में, जो भी होगा, केनाल बना के, और वो जो वाटर बचा, उस वाटर को जो हम लोग स्टोर किए, उसको समय समय पर टाइम टू टाइम क्रॉप को देंगे, प्लस में अपना पीने के लिए पानी यूज करेंगे, प्लांट को देंगे, जो भी जरूरी पड़ेगा वो हम लोग काम करेंगे। देखिए यही था इरीगेशन का डिफिनेशन और नेसेसरी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मतलब कि इरीगेशन से हम लोग का क्या क्या एडवांटेज है, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इरीगेशन। देखिए इरिगेशन का भी बहुत एडवांटेज है, आखिर एडवांटेज था तब तो हम लोग इसको प्रीफर किए, वरना तो इसको छोड़ देते हैं, क्या फ़ायदा, अगर कोई फ़ायदा ही नहीं रहता तो ज़रूरी ही क्या था उतना खर्चा करने के लिए। तो वही देखिए इसका जो हम लोग को जो इससे बेनिफिट होता है, मतलब इससे जो लाभ होता है, एडवांटेज है, वो क्या क्या है। पहला कि इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, बात सही है कि मान लीजिए अगर जो भी हम लोग क्रॉप क्रॉप लगाए हैं, उस क्रॉप को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, खाने के लिए भी आदमी कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए पानी एकदम बहुत कंपलसरी है। और ये सब काम कौन करता है, ये सब सिविल इंजीनियरिंग का जो भी बंदे होते हैं वही सब काम करते हैं, कि कहाँ पानी को रिजर्व करना है, कहाँ से पानी कितना दूर तक हम लोग को पहुँचाना है, ये सब सिविल इंजीनियरिंग का काम है। तो पहला क्या था, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, वही लिखा हुआ है कि इंक्रीज सॉरी इरीगेशन इरीगेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप। ये तो परफेक्ट है कि इरिगेशन क्रॉप को बढ़ने में मदद करता है, और वही है टू और मोर क्रॉप्स कैन बी टेकन ऑन द सेम लैंड। और वही बोल रहा है कि अगर देखिए पानी हम लोग का पानी पूरा है भरपूर, तो एक ही फील्ड में हम लोग दो या दो से ज़्यादा भी क्रॉप लगा सकते हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि मान लीजिए क्रॉप लगा दिए तो एक को क्रॉप को कम पानी चाहिए, तो एक क्रॉप को ज़्यादा भी पानी देना पड़ सकता है, इसलिए पानी का कंपलसरी है, मतलब वाटर इरीगेशन एकदम कंपलसरी है। सेवन है अर्ली ग्रोइंग एंड बेटर एल्डिंग हाइब्रिड सीरियल्स कैन बी सोन, फिन फिश प्रोडक्शन कैन बी डेवलप्ड इन द इरीगेशन टाइम। और देखिए इसमें एक चीज़ ये भी है कि मान लीजिए इरीगेशन के लिए हम लोग जो रिजर्वायर बनाए थे, उस रिजर्वायर से तो हम लोग अपना फूड प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मतलब क्रॉप के लिए भी पानी ले जा रहे हैं, प्लस में ये जो रिजर्वायर, इस रिजर्वायर में फिशरी का भी काम कर रहे हैं। फिशरी का मतलब मछली पालन, मछली पालन, तो मछली पालन से भी अगर हम लोग चाहें तो पैसा कमा सकते हैं, और जो भी मतलब वहाँ से भी मछली पालन से भी बहुत फ़ायदा होता है, प्लस में अगर मछली पालन वहाँ लगा दिए हैं, उसमें मछली डाल दिए हैं रिजर्वायर में, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। गवर्नमेंट को भी फायदा कैसे होगा, क्योंकि उसके पास टैक्स जाएगा, टैक्स जाएगा तो उससे भी फायदा है, प्लस में हम लोग को भी फायदा है। इसलिए पहला हम लोग क्या होगा, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। इसके बाद देखिएगा दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम फैमिन, मतलब देखिए ये फैमिन मतलब अकाल होता है, फैमिन मतलब अकाल, अकाल पड़ना आप लोग सुने होंगे कि अब पता चला कि पानी ही नहीं गिरा, पानी नहीं गिरा बस अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब जो भी हम लोग बीज बोए थे वो बीज को पानी नहीं मिला और वो सब खराब हो गया, खराब हो गया, जिसके चलते कुछ बीज पैदा नहीं हुआ, जिससे बहुत सारे लोग मरने लगे हैं, अकाल पड़ गया, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। तो वही है कि जब तक अगर पानी रहेगा स्टोर करके हम लोग रखेंगे, या इरिगेशन सिस्टम हम लोग को अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा, तो हम लोग को क्या करेगा, जो फैमिन से है उस फैमिन से प्रोटेक्ट होगा, मतलब अकाल से हम लोग को बचाएगा। तो वही लिखा है इरिगेशन प्रोटेक्ट पीपुल फ्रॉम द ऑकुरेंस ऑफ फैमिन व्हेन रेनफॉल इन एनी ईयर इज सच लेस देन नॉर्मल। वो बोल रहा है कि अगर मतलब पानी कम भी गिरे, जितना आवश्यकता था उतना से कम भी पानी गिरे, तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि जितना भी पानी गिरा उसको हम लोग क्या किए, स्टोर कर लिए, स्टोर करके हम लोग यूज कर रहे हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। वही दिया और क्या बोला, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड टू द पीपल एंड दस गेट सम रिलीफ। और देखिए यहाँ ये भी बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी इरिगेशन के लिए वर्क करेंगे उससे मतलब कुछ तो इम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ नौकरी वोकरी मिलेगा अगल बगल वाले को, तो उससे भी क्या होगा कि अगर इम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉय होंगे उन लोग मतलब रोजगार उन लोग को मिलेगा तो जो भी पैसा आएगा उससे खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ देखना है कि पैसा ही काफ़ी नहीं है, मान लीजिए हम लोग के पास भोजन ही नहीं है, भोजन मतलब क्रॉप जो फसल है वो ही नहीं है तो हम लोग खरीदेंगे कहाँ से। इसलिए यहाँ पे मेन है हम लोग का क्रॉप, क्रॉप को बढ़ाना है, और क्रॉप बढ़ेगा तो फैमिन मतलब अकाल अपने ही दूर हो जाएगा। ठीक, तीसरा है कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। एक देखिए यहाँ आ गया कैश क्रॉप, कल्टीवेशन मतलब होता है खेती करना, कैश क्रॉप मतलब होता है मतलब जो लंबा समय तक हम लोग उपज में लगा सके, मतलब ये बहुत लंबा टाइम तक लेता है कैश क्रॉप मतलब नगदी फसल। तो देखिए नगदी फसल जो होता है उसका मतलब कल्टीवेशन, उसका भी खेती। तो मान लीजिए हम लोग एक चीज़ कुछ बो दिए, मतलब एक चीज़ कुछ रोप दिए और उसको अब हम लोग को बहुत लंबे समय तक बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी तो चाहिए। अगर पानी नहीं रहेगा तो सब खराब हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग का जो शुगर केन होता है, बनाना होता है, ये सब बहुत पानी लेता है, पानी पूरा लेता है। अगर वो वाटर रहेगा ही नहीं तो हम लोग का कैश क्रॉप होगा ही नहीं। तो ये कैश क्रॉप में भी हम लोग को काम देता है। जैसे वही बोला कि इरिगेशन मेक्स इम्पॉसिबल टू ग्रो कैश क्रॉप सच एज शुगर केन, बनाना, टोबैको, कॉटन इटीसी। मोर मनी विल बी अवेलेबल विथ द फार्मर्स विच रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। देखिए ये बोल रहा है कि अगर मतलब जो भी फार्मर्स हैं वो फार्मर्स को अगर पानी मिलेगा तो ये सब उपज कर सकते हैं अच्छा से, और ये सब उपज करने के बाद उन लोगों को इससे ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है फार्मर्स को, जिससे कि वो अपना रहने का ज़िंदगी को क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। मतलब क्योंकि पैसा आएगा तो, और पैसा कहाँ से आएगा जब तक उन लोग को क्रॉप अच्छा से उपजेगा नहीं, और क्रॉप अच्छा से उपज जाएगा तो पैसा उससे आएगा ही आएगा, मार्केट में बिकेगा तो पैसा आएगा, उससे क्या कर सकते हैं, उसका अपना जो ज़िंदगी जी रहते हैं उसको थोड़ा स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो यही सब मतलब फ़ायदा है इरिगेशन से, कि एडवांटेज यही है। और क्या है देखिए, और है एक फ्लूड कंट्रोल। फ्लूड कंट्रोल ये कैसे हो सकता है, मतलब बाढ़ जो आता है बाढ़ को भी इरिगेशन कंट्रोल करता है, क्यों कैसे से देखिएगा, बताते हैं अभी कैसे से। देखिए मान लीजिए कि हम लोग ये बहुत, ये कभी कभी बहुत भारी वर्षा भी हो जाता है, भारी वर्षा हो गया, मान लीजिए इधर इधर से वर्षा हो रहा है पूरा, हम लोग यहाँ क्या किए हैं कि एक बड़ा सा रिजर्वायर मतलब डैम बना दिए, तो इधर का जो वर्षा होगा पानी आएगा वो यहीं आएगा, और जो इसका नीचे निचला सतह में, जैसे कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे कि वो ऊंचा जगह पर है, ऊंचा जगह पर है, मान लीजिए ऊंचा जगह पर ज़्यादा पानी गिर गया, तो जो अगर इधर हम लोग डैम उम कुछ नहीं बनाए होंगे तो नीचे वाला क्या होगा, इधर ऊंचा से सब नीचे की ओर पानी आएगा, और नीचे वाला जो भी इधर शहर बसा हुआ है वो सब शहर में पानी में डूब जाएगा। तो उससे भी मतलब बाढ़ से भी बचाने के लिए, फ्लूड कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग रिजर्वायर का काम करते हैं। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि नदी में भी बहुत पानी आ जाता है और बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है तो कंट्रोल नहीं होता है, और कभी कभी यह भी होता है कि कंट्रोल नहीं होता और सब बहा बहा के ले जाता है, समझे। तो कभी कभी वैसा भी कंडीशन आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो रिजर्वायर जरवायर होता है वो फ्लूड कंट्रोल कर लेता है। तो वही बोला है कि फ्लूड कंट्रोल में इरीगेशन रिजर्वायर डिटेल्स फ्लूड वाटर समटाइम्स हेंस द रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्लूड डैमेज, मतलब फ्लूड से जो डैमेज होगा उसको कम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, करता है। और क्या है, और आगे पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देखिए जब इरिगेशन में के लिए हम लोग डैम बनाएंगे तो उससे क्या और एडवांटेज हो सकता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी मतलब उससे हम लोग बिजली भी बना सकते हैं, पानी से टरबाइन घुमाएंगे और टरबाइन घूमने लगेगा तो वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना ही सकते। वही लिखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फॉल्स ऑन सम केनाल्स और बाय वाटर स्टोरेज इन द स्टोरेज रिजर्वायर, दिस चीप पावर विल बी सर्व मेनी एग्रीकल्चरल डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। देखिए और यहाँ से ये भी हो जाएगा, जब हम लोग को बिजली मिलने लगेगा तो बिजली से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोटर वोटर चला सकते हैं, और मोटर से भी हम लोग अगर पानी निकाल सकते हैं, क्यों कहीं कहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, बोरिंग जिसको बोलते हैं, हॉल कर देंगे अर्थ के नीचे, और वहाँ से नीचे से भी
पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत सारा मतलब फ़ायदा है कि इरिगेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जितना भी मतलब डैम बनता है वो सब बहुत काम देता है हम लोग को। जैसे आप लोग बाढ़ का बांध का भी नाम, बहुत सारा बांध का नाम सुनेंगे, तो वो सब देखिएगा कि मतलब बहुत सारा बहुत पर्पस उसका होता है, और उससे कितना कितना लाभ लेता है वो तो वहाँ उसके वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है। प्लस में गवर्नमेंट को भी लाभ होता है, सेंट्रल स्टेट दोनों का लाभ होता है। और देखिए और आगे क्या था, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, मतलब पानी उनी भी पीने के लिए, तो हम बता ही रहे थे शुरू से कि पानी उनी पीने के लिए भी हम लोग को काम देता है। वही बोला है कि इरीगेशन हेल्प्स इन ऑगमेंटिंग द टाउन वाटर सप्लाई विच कैन बी यूज फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। और फैक्ट्री में भी बहुत सारा पानी का यूज पड़ता है, तो वहाँ भी जाता है अपना। फिर इन लैंड नेविगेशन, देखिए इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए रिजर्वायर कहीं बना दिए, पूरा डैम बना दिए, इधर से पूरा पानी भर गया, तो इससे हम लोग और क्या क्या कर सकते थे कि मतलब इसका और पर्पस है कि हम लोग यहाँ इसमें अब नेविगेशन मतलब नौका गमन भी शुरू कर दे, इससे हम लोग पैसा भी कमाने लग सकते हैं। मान लीजिए पानी तो ऐसे इधर डैम बना के इधर पूरा पानी भरा हुआ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाव भी चलाना शुरू कर देंगे। नाव से जो भी मतलब टूरिस्ट लोग आएगा, टूरिस्ट लोग से अपना घुमाइए इधर और पैसा उसे कमा लीजिए, ये भी है मतलब इसका एक एडवांटेज, समझे। तो देखिए अब तो यहाँ एडवांटेज तो हम लोग पढ़ लिए, तो अब एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज उसका क्या है वो देखिएगा, हम लोग अब उसका डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए डिसएडवांटेज इसका क्या क्या है। पहला डिसएडवांटेज है कि इरिगेशन में रिजल्ट इन कोल्डर एंड डैम्पर क्लाइमेट काजिंग डिजीज लाइक मलेरिया। देखिए इसका पहला डिसएडवांटेज है कि मतलब जब पानी कहीं स्टोर रहेगा तो उससे वहाँ का अगल बगल का इन्वायरमेंट का अगर ठंडा हो जाएगा, प्लस में जो वहाँ का क्लाइमेट क्लाइमेट है, जलवायु है, वो भी ठंडा हो जाएगा, गीला टाइप का हो जाएगा। और प्लस में जहाँ पानी स्टोर होता है वहाँ देखिएगा कि मच्छर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है, मच्छर जो मॉस्किटो होता है बहुत ज़्यादा मतलब उपजने लगता है, पैदा लेने लगता है, तो वो एक तरह का भी रोग का कारण बन सकता है और मलेरिया का कारण बन सकता है। इसलिए मतलब इससे कुछ थोड़ा सा हानि है, इसलिए उसको मतलब मेंटेनेंस करके उस जो भी डैम बनाए, जो भी रिजर्वायर बनाए, उसको मेंटेनेंस करके ही रखना पड़ेगा, तभी ये सबसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा क्या है, देखिए वाटर लॉजिंग, ओवर इरिगेशन में भी लीड टू वाटर लॉगिंग। देखिए वाटर लॉगिंग यहाँ दिया हुआ है, वाटर लॉगिंग मतलब आप लोग पढ़े होंगे एक सेचुरेशन, कि पूरा मतलब सेचुरेट हो गया। सेचुरेट मतलब कि जो हम लोग का जो वाटर लेवल है, मान लीजिए ये हम लोग का ग्राउंड ऐसे था और वाटर लेवल हम लोग का यहाँ था, वाटर लेवल पता चला कि ये जो इधर जो पानी स्टोर था, मान लीजिए यहाँ क्रॉप क्रॉप शो की है मतलब क्रॉप बोए हुए हैं, तो पता चला कि यहाँ जो इधर स्टोर पानी था वो वाटर लेवल से ऊपर आ गया, पानी वाटर लेवल से ऊपर पानी आ गया। तो अब ये भी है कि क्रॉप को अगर कंटिन्यूअस पानी मिलेगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा। जैसे देखिए हम अभी आप लोग को एक फिगर दिखाते हैं वाटर लॉगिंग का, यहाँ देखिए यही है वाटर लॉगिंग। इसमें देखिएगा कि ये हम लोग का इधर बीज कुछ बोया हुआ है, उपजा हुआ है, प्लस में इस पर देखिए यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है वाटर, तो कभी कभी ये भी मतलब खराब करने का कारण बन जाता है पौधा उधा को, कि मतलब पानी भर गया पूरा, पता चला कि पौधा खराब हो गया। ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है कि अगर क्रॉप में ज़्यादा देरी तक पानी स्टोर हो गया तो वो भी खराब हो जाएगा, मतलब वाटर लॉगिंग उसको बोलते हैं। और देखिए तीसरा तीसरा क्या इसका डिसएडवांटेज है, साल्ट इफ्लोरेसेंस। अब देखिए साल्ट इफ्लोरेसेंस मतलब देखिए जहाँ अगर वाटर लॉगिंग हो गया, मतलब पानी जहाँ ज़्यादा देर तक स्टोर हो गया, तो देखिएगा कि मतलब ज़्यादा देर तक स्टोर हो जाने के बाद जो वहाँ का मिट्टी होता है या जो वहाँ का ज़मीन होता है वो मतलब बेस बेस हो जाता है, क्षारीय टाइप का हो जाएगा ज़्यादा, मतलब वहाँ नम पता चलेगा। देखिएगा कि मतलब अगर पानी कभी सूखा कुछ समय के बाद, पानी वहाँ का पानी सूख गया, मतलब वहाँ का पानी सब खत्म हो गया, देखिएगा कि वहाँ का ज़मीन एकदम वाइट वाइट हो गया, मतलब चरक चरक वाइट जैसा हो गया, और वो वाइट मतलब जो भी फिर क्रॉप व्रॉप बोएंगे वो क्रॉप सही से उपजेगा नहीं, तो एक ये भी हो जाता है साल्ट इफ्लोरेसेंस। वही लिखा है कि ड्यू टू वाटर लॉगिंग, मतलब वाटर लॉगिंग के कारण, वाटर ज़्यादा देर तक जम जाने के कारण साल्ट साल्ट इफ्लोरेसेंस हो जाएगा, और स्विच में भी डैमेज लैम्प परमानेंटली, तो वही जो मतलब वहाँ का लैंड है वो ख़राब हो जाएगा, उपजाऊ नहीं फिर बचता है, तो भी एक इसका कारण था कि ज़्यादा देर तक पानी वहाँ स्टोर होने के बाद लैंड खराब हो जाएगा। और था इकोलॉजिकल
इम्बैलेंस और टेंडेंसी टुवार्ड्स ओवर इरीगेशन, फिर एक्सेस ह्यूमिडिटी। ये तो आपको लोगों को मालूम ही होगा कि मतलब शुरू ही बताएं कि बहुत ज़्यादा, और ये भी है कि अगर जहाँ ज़्यादा देर तक पानी स्टोर रहता है वहाँ का ज़मीन भी देखिएगा कि मतलब ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, चाहे अगल बगल का जो एटमोसफेयर है एटमोसफेयर में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा आ जाता है। तो इस सब का मतलब यही है कुछ डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए। प्लस में देखिए अब वो वाटर लॉगिंग भी देख लिए कि वाटर लॉगिंग मतलब किस टाइप का होता है, यही है वाटर लॉगिंग। आई होप समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ऐसे। तो आज का मतलब आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा, जितना भी पढ़े हम लोग कि इरीगेशन का डिफिनेशन पढ़ें, प्लस में उसका जो पर्पस था वो पर्पस पढ़ें, प्लस में जो इसका एडवांटेज है वो पढ़ें और डिसएडवांटेज है वो पढ़ें, ठीक। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इरीगेशन पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ इरीगेशन, जितना भी टाइप का इरीगेशन होता है और जितना भी टाइप का इरीगेशन है हर एक टाइप का इरीगेशन का हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, और डिफिनेशन और उसके साथ साथ जो भी मतलब उसका टेक्निकल टर्म यूज होता है इरीगेशन में वो भी पढ़ेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक। थैंक यू।